Good morning, students. Today, in continuation with the ongoing class, we are going to learn about molality, ppm, concentration ppm, normality, mole fraction, and strength of solution. As we have discussed yesterday molarity, today we are going to discuss molality. What is the difference between molarity and molality? Molarity is number of moles in 1 liter of solution. But molality is number of moles in 1 kg solvent. In 1 kg solvent. Number of moles of solute in 1 kg solvent. It is represented by symbol small m. Small m representing here molality. Molality m is equals to n by this capital W is showing over here mass of solvent. Clearly mentioned beta, this is mass of solvent in kg. Must be, मैंने यहाँ छोटा छोटा लिख दिया है, mass of solvent in kg, मतलब किसी solution के अंदर जब number of moles होंगे 1 kg solvent में, यानी 1 kg पानी में जितने moles चीनी के घुले हैं वो उतनी उसकी molality हो गई. मान लीजिए 1 kg पानी लिया और उसमें 3 mole चीनी घोल दी, तो उस चीनी वाले solution की molality कितनी हो गई? 3m. 3m एंड यूनिट क्या होगी? मोल, मोल पर केजी या मोल केजी इनवर्स. ओके, तो मोल पर केजी. इसके अदर फॉर्मूला भी एक हम बात करेंगे कि m इज इक्वल्स टू w बाई m1 कैपिटल w. हेयर दो चीजें हैं यहाँ पे बेटा, स्मॉल डब्ल्यू मास ऑफ सॉल्यूट है और कैपिटल डब्ल्यू मास ऑफ सॉल्वेंट है. यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट हमेशा केजी में ही आना है, केजी में ही आना है, और ये मास ऑफ सॉल्यूट हमेशा ग्राम में ही आना है. याद रखिएगा, मास ऑफ सॉल्यूट हमेशा ग्राम में आएगा. एंड दिस एम वन इज मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट. ठीक है, एम वन कहें या एम ए एम बी भी कह सकते हैं. अगर ये जनरली ग्राम में दिया है तो ये फॉर्मूला आपका चेंज हो जाने वाला है. ये हो जाएगा एम इज इक्वल्स टू 1000 डब्ल्यू ओवर एम वन कैपिटल डब्ल्यू. ये डब्ल्यू मास ऑफ सॉल्यूट, ये कैपिटल डब्ल्यू मास ऑफ सॉल्वेंट, नॉट सॉल्यूशन. ये गड़बड़ अक्सर बच्चे करते हैं, ये मास ऑफ सॉल्यूशन मान लेते हैं. ये मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं है, ये मास ऑफ सॉल्वेंट है, जो कैपिटल डब्ल्यू. ओनली सॉल्वेंट का मास, सॉल्यूशन का मास अलग होगा और सॉल्वेंट का मास अलग होगा. ठीक है, ये बात समझ में आ गई बेटा? कोई दिक्कत नहीं, पक्का सबको समझ में आ गई होगी. किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो प्लीज मुझे बताइएगा. नंबर ऑफ मोल्स इन 1 kg सॉल्वेंट जो होते हैं वो मोलैलिटी होती है. 1 kg सॉल्वेंट में जितने मोल्स सॉल्यूट के होते हैं वो मोलैलिटी होती है. इसके बाद हम बात करते हैं ppm में कॉन्सेंट्रेशन की. ppm मीन्स पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन. इसका मतलब सीधा सीधा ये होता है कि जब सॉल्यूशन के 1 million पार्ट्स हों उसमें कितने पार्ट्स सॉल्यूट के हैं. सॉल्यूशन के 1 million पार्ट्स में सॉल्वेंट के 1 million, सॉल्यूशन के 1 million पार्ट में सॉल्यूट के कितने पार्ट्स हैं. ठीक है, 1 million का मतलब क्या होता है? 10^6. क्या होता है? 10^6. तो जैसे पार्ट्स पर 100 को हम कहते हैं परसेंटेज, पार्ट्स पर 100 को कहते हैं क्या? परसेंटेज. उसी तरह क्या है, ये परसेंटेज का बड़ा रूप है. ठीक है, ये पार्ट्स पर मिलियन है, मतलब कि ये होगा W अपॉन कैपिटल W इंटू 10^6. इसका फॉर्मूला है ppm इक्वल्स टू, दिस इज मास ऑफ सॉल्यूट, दिस इज मास ऑफ सॉल्यूशन. ध्यान रखिए यहाँ पे, ये याद रखना है, ये मैं लिख दे रहा हूँ, ये मास ऑफ सॉल्यूशन है, ये कैपिटल डब्ल्यू. मोलैलिटी में मास ऑफ सॉल्यूट लेना है खाली, यहाँ मास ऑफ सॉल्यूशन लेना है, मास ऑफ सॉल्यूट ओवर मास ऑफ सॉल्यूशन ppm में. ध्यान रखेंगे, नोट करते जाइएगा बेटा कि मास ऑफ सॉल्यूट ओवर मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10^6 ppm. यहाँ पे एक शॉर्टकट फॉर्मूला भी बता देता हूँ कि कभी कई बार मास परसेंट दिया होता है और ppm में कंसंट्रेशन पूछी होती है, कि किसी चीज़ का मास परसेंट दे दिया, ppm में कंसंट्रेशन पूछी है, या ppm में कंसंट्रेशन दिए और मास परसेंट पूछा है. ठीक है, तो ppm में दिया है
और उसका बताना है मास परसेंट, तो ppm इक्वल्स टू मास परसेंट इनटू 10^4 ppm, सॉरी जगह कम हो रही है, मैं इधर लिख देता हूँ फिर से, ppm इक्वल्स टू मास परसेंट इनटू 10^-4 10^-4 अगर मैं कहूँ कि हमारे पास 10 ppm शुगर सॉल्यूशन है, 10 ppm तो उसका मास परसेंट क्या होगा, 10 ppm शुगर सॉल्यूशन है इक्वल्स टू 10 ppm और मास परसेंट क्या होगा पूछा है, तो इनटू 10^4 ही होता है, सॉरी 10^4 होगा, इनटू 10^4 तो आपका मास परसेंट जो होगा जो वो हो जाएगा मास परसेंट इज इक्वल्स टू 10^-4 10^-4 W/W मास परसेंट को किससे दिखाते हैं, W/W से, ठीक है, ध्यान रखेंगे ppm इक्वल्स टू मास परसेंट इनटू 10^4 ppm इक्वल्स टू मास परसेंट इनटू 10^4 ये फॉर्मूला कहीं नोट कर लो बेटा, ये कॉम्पिटिटिव प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा मदद करती है, कई बार क्या होता है कि जो है आपको ऐसे छोटे छोटे प्रॉब्लम्स दे दिए जाते हैं और उनको सॉल्व करना कठिन लगता है जबकि ये बहुत आसान होते हैं। चलिए ppm की बात हो गई, अब हम बात करते हैं नॉर्मेलिटी की, नॉर्मेलिटी मोलैरिटी मोलैलिटी इनमें ज़्यादा फर्क नहीं है, ये बस थोड़ी थोड़ी बातों का डिफरेंस है। नॉर्मेलिटी जब आती है तो यहाँ होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस इन वन लीटर सॉल्यूशन, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस इन वन लीटर सॉल्यूशन, तो इसका इसको हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस, तो यहाँ हम कह देते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस, तो हियर यहाँ पे हम ले लेते हैं NE ओवर V इन लीटर। NE का मतलब क्या है, N तो होता है नंबर ऑफ मोल्स लेकिन NE कह देते हैं हम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, जैसे नंबर ऑफ मोल्स बेटा कैसे निकालते हैं, मास ओवर मोलर मास, मास ओवर मोलर मास W/M करते हैं तो आपका क्या निकल जाता है नंबर ऑफ मोल्स, ऐसे ही नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने हैं NE निकालना है तो NE इक्वल्स टू W/E होता है, मास ओवर इक्विवेलेंट मास, मास ओवर इक्विवेलेंट मास हो जाता है तो NE निकल जाता है, इससे आ जाता है आपका फॉर्मूला, तो इसको हम सीधे N इक्वल्स टू और करते हैं तो W/EV ये फॉर्मूला बन जाएगा W/EV। यहाँ पे याद रखना है ये वॉल्यूम इन लीटर होना चाहिए, वॉल्यूम लीटर्स में होना चाहिए, लेकिन अगर हमने वॉल्यूम किस में लेना है बेटा, वॉल्यूम हमने ले लिया ml में तो हमारा n इक्वल्स टू हो जाने वाला है 1000 W/EV। ई इक्विवेलेंट मास है, नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में बस इतना ही डिफरेंस है कि नॉर्मेलिटी में हम मोलर मास यूज करते हैं और ना मोलैरिटी में मोलर मास यूज करते हैं और नॉर्मेलिटी में इक्विवेलेंट मास यूज करते हैं, नॉर्मेलिटी में इक्विवेलेंट मास और मोलैरिटी में मोलर मास, ठीक है ये कोई दिक्कत नहीं है। अब ये वाला हमारा पार्ट क्लियर हो जाता है, अब हम बात करेंगे मोल फ्रैक्शन की, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन इज नथिंग बट यहाँ इसकी यूनिट रह गई, सॉरी इसकी यूनिट हम नॉर्मेलिटी की यूनिट होती है इक्विवेलेंट्स पर मोल या ग्राम इक्विवेलेंट्स पर मोल, इक्विवेलेंट्स पर मोल, ग्राम इक्विवेलेंट्स पर मोल भी कह सकते हैं, इक्विवेलेंट्स पर मोल जो है ये क्या है, या ग्राम इक्विवेलेंट्स पर मोल या इक्विवेलेंट्स पर मोल जो है वो किसकी यूनिट है, नॉर्मेलिटी की यूनिट है, यूनिट याद होना बहुत ज़रूरी है जब भी आप न्यूमेरिकल करते हैं बेटा, उसका आंसर के साथ यूनिट जरूर लिखें, कभी भी न्यूमेरिकल आएगा आंसर के साथ उसकी यूनिट जरूर होनी चाहिए। मोल फ्रैक्शन एक ऐसा कंसंट्रेशन टर्म है, सारे कंसंट्रेशन टर्म्स को हम देखते हैं, मोल फ्रैक्शन ऐसा कंसंट्रेशन टर्म है जिसकी यूनिट नहीं होती है, जैसे परसेंट की यूनिट नहीं होती है, वॉल्यूम परसेंट की यूनिट नहीं होती है, मास बाय वॉल्यूम परसेंट की यूनिट नहीं होती है, ऐसे ही मोल फ्रैक्शन की भी यूनिट नहीं है, यूनिटलेस है, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन इज व्हाट, सपोज हमने एक सॉल्यूशन बनाया और उस सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट लिए, एक हमने लिया ए और एक लिया बी, ठीक है, तो ए के हमने एन ए मोल्स लिए और बी के हमने लिए एन बी मोल्स लिए, ठीक है,
एन ए और एन बी, स्मॉल एन ले लेते हैं, सॉरी स्मॉल एन ए, एन ए और एन बी मोल्स ले लिए, तो इसमें टोटल मोल्स कितने हो गए, एन ए प्लस एन बी। तो किसी सॉल्यूशन में या किसी मिक्सचर में, किसी सॉल्यूशन में जो किसी कंपोनेंट के मोल्स हैं उसका टोटल मोल्स के साथ जो रेशियो होता है वो मोल फ्रैक्शन कहलाएगा। मतलब कि इसमें ए का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, ए का मोल फ्रैक्शन अगर हम कहें एक्स ए, एक्स ए विल बी इक्वल्स टू एन ए ओवर एन ए प्लस एन बी होगा। यानी कि मोल फ्रैक्शन इज ए रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स उस कंपोनेंट के मोल्स और टोटल नंबर ऑफ मोल्स का जो रेशियो है उसको हम मोल फ्रैक्शन कहते हैं। ऐसे ही एक्स बी इज इक्वल्स टू एन बी ओवर एन ए प्लस एन बी। अगर तीन कंपोनेंट है तो एन ए एन बी एन सी होगा, और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक्स ए इक्वल्स टू एन ए ओवर एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, तीनों को जोड़ के करेंगे। तो ये दो कंपोनेंट का मिक्सचर था, तो कभी भी टू कंपोनेंट मिक्सचर में एक्स ए प्लस एक्स बी इजिकल्स टू वन होता है। अगर थ्री कंपोनेंट्स का मिक्सचर हो तो उसके लिए एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी इजिकल्स टू वन, मतलब सारे फ्रैक्शंस का सम वन होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखेंगे बेटा, एक्स ए प्लस एक्स बी इजिकल्स टू वन, एक्स एजिकल्स टू एन ए प्लस एन ए ओवर एन ए प्लस एन बी, एक्स बी इजिकल्स टू एन बी ओवर एन ए प्लस एन बी। ठीक है, ये हो गया मोल फ्रैक्शन। अब हम बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहे हैं बेटा, क्या रिलेशन बिटवीन द कॉन्सेंट्रेट, अच्छा एक हमारा रह गया, सॉरी एक रह गया है, इसको मैं मिटा देता हूँ बाकी सब। एक जो हमारा ये रह गया है जिसकी मैं बात करने जा रहा था, स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन। स्ट्रेंथ की बात अक्सर हम लोग छोड़ देते हैं, जनरली ये बुक्स में भी हम लोग इसको स्किप कर देते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन इन ग्राम पर लीटर। कभी भी स्ट्रेंथ का मतलब है कितने ग्राम कितने लीटर में डिसॉल्व है, उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रेंथ कहते हैं। मतलब कि स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई वी इन लीटर, ग्राम पर लीटर, कि कितने ग्राम कितने लीटर में डिसॉल्व है, डब्ल्यू बाई वी स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन हो जाती है। मतलब कि सोल्यूट का कितना मास डिसॉल्व है और कितने ml में कितने लीटर में डिसॉल्व है। मान लीजिए 3 लीटर में 10 ग्राम है, 3 लीटर में 9 ग्राम है मान लेते हैं सिंपली, तो 9/3 बराबर कितना हो गया, 3। यानी कि ये क्या स्ट्रेंथ हो गई, 3 ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ हो गई। इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं, ग्राम पर लीटर। तो इसका भी कई जगह यूज है, जब आप टाइट्रेशंस करते हैं वहाँ स्ट्रेंथ निकालने को भी दी जाती है बच्चे। तो स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं, किस तरह से स्ट्रेंथ का सॉल्यूशन बनता है, ये सारी बातें अभी अभी हम आगे और करने जा रहे हैं। अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट इस वीडियो का अब आप देखने जा रहे हैं बेटा, कि रिलेशन बिटवीन द कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। कल मैंने बात की थी अपने पुराने वीडियो में की थी, कि जो आपका सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन दो तरह की होती है, एक टेम्परेचर डिपेंडेंट एक टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। जिसमें भी फॉर्मूले में वॉल्यूम यूज हो रहा है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होंगी, और जिसमें फॉर्मूले में वॉल्यूम यूज नहीं हो रहा है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होंगी। जैसे मोलैरिटी है टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, क्योंकि मोलैरिटी में वॉल्यूम आता है, मोलैलिटी में वॉल्यूम नहीं आता है। ठीक है, नॉर्मेलिटी है नॉर्मेलिटी में वॉल्यूम आता है, यानी कि नॉर्मेलिटी क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है। मोल फ्रैक्शन में वॉल्यूम नहीं आता है, वॉल्यूम नहीं आता है, जिसमें वॉल्यूम नहीं आएगा वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हो जाएगी। ठीक है, और जिसमें वॉल्यूम आएगा वो टेम्परेचर डिपेंडेंट। मतलब हमारे पास कंसंट्रेशन टर्म्स दो तरह के हो गए, एक टेम्परेचर डिपेंडेंट या ये कहे वॉल्यूम डिपेंडेंट, और दूसरे मास डिपेंडेंट। एक वॉल्यूम पे डिपेंड करेंगे, दूसरे खाली मास पे डिपेंड करेंगे, वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करेंगे। तो सिंपली हम जरा जरा समझ लेते हैं, एक वॉल्यूम परसेंट है वॉल्यूम डिपेंडेंट, दूसरा मास बाई वॉल्यूम परसेंट है वॉल्यूम डिपेंडेंट, मोलैरिटी है वॉल्यूम डिपेंडेंट, नॉर्मेलिटी है वॉल्यूम डिपेंडेंट। ठीक है, नॉर्मेलिटी है ना, इसके अलावा और क्या है नॉर्मेलिटी के अलावा, आपका वॉल्यूम परसेंट वॉल्यूम बाई, हाँ इसके अलावा आपका स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ में भी वॉल्यूम आता है ना, स्ट्रेंथ क्या है आपकी,
वॉल्यूम डिपेंडेंट है। इसके अलावा वॉल्यूम इंडिपेंडेंट क्या हो गए, मास परसेंट, मास परसेंट आपका वॉल्यूम इंडिपेंडेंट। इसके अलावा पीपीएम, पीपीएम में कहीं वॉल्यूम की बात नहीं थी, पीपीएम में मास ऑफ सोल्यूट ओवर मास ऑफ सोल्यूशन इंटू 10^6, ठीक है, पीपीएम हो गया। इसके बाद मास परसेंट के बाद हो गया मोलैलिटी और उसके बाद मोल फ्रैक्शन। ये सब आपके क्या हो गए बेटा, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट और ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, मतलब मास डिपेंडेंट है। अब देखिए बेटा डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, डेंसिटी इक्वल्स टू मास ओवर वॉल्यूम होता है, मास ओवर वॉल्यूम होता है, यानी कि मास और वॉल्यूम का जो रिलेशन है वो क्या है, डेंसिटी है। यानी कि इन वाले को, इन सभी को, वॉल्यूम डिपेंडेंट वालों को अगर हमने बदलना है वॉल्यूम इंडिपेंडेंट वालों में, तो हमें किसकी जरूरत पड़ने वाली है बेटा, डेंसिटी की जरूरत पड़ने वाली है। अगर किसी भी टेम्परेचर डिपेंडेंट वाले को आपको बोला मोलैरिटी इतनी है, मोलैलिटी बताइए, तो आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, डेंसिटी की। आपको बोला मोलैलिटी इतनी है, ये निकालिए डेंसिटी की जरूरत। पीपीएम इतना है, मोलैरिटी निकालिए, फिर भी डेंसिटी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। मोल फ्रैक्शन इतना है, मोलैरिटी निकालिए या नॉर्मैलिटी निकालिए या स्ट्रेंथ निकालिए, आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, डेंसिटी की। तो अब ये मैं रिलेशंस आपको समझाने जा रहा हूँ, ये बड़ी कठिन बात हो जाती है अगर इसको पूरे विस्तृत रूप में किया जाए। तो इसका एक बहुत बढ़िया तरीका ये है कि इनके कई शॉर्टकट फॉर्मूले हैं कि अगर ये दिया है तो ये कैसे निकालना है और ये दिया है तो ये कैसे निकालना है। ये सारे फॉर्मूले बेटा आज नोट करके आप लोग रख लीजिए, प्लीज़ आप लोग कॉपी पेन ले लीजिए। और मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि कॉम्पिटिशन में ऐसे क्वेश्चन हर जगह आपको पक्का मिलेंगे कि आपसे दिया होगा कि सबसे पहले मोलैरिटी निकालने को कहा गया होगा और मोल फ्रैक्शन दिया हुआ होगा। जैसे आपको बोला कि यूरिया का मोल फ्रैक्शन 0.4 है, यूरिया का मोल फ्रैक्शन 0.4 है, मोलैलिटी निकालिए, क्वेश्चन लिख लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया इज 0.4, कैलकुलेट इट्स मोलैलिटी। ओके, अब देखिए मोल फ्रैक्शन आपका टेम्परेचर डिपेंडेंट है इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है। और मोलैलिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट है इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट, दोनों इंडिपेंडेंट, यानी यहाँ डेंसिटी की जरूरत ही नहीं है। अगर दोनों इंडिपेंडेंट या दोनों डिपेंडेंट की बात करें, वहाँ डेंसिटी की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो इसको करना है अगर, तो बड़ा लंबा चौड़ा प्रारूप है, लेकिन मैं इसका बहुत शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ। एम इजिकल्स टू 1000 एक्स बी ओवर एक्स ए एम ए, एक्स ए एम ए लिख लीजिए बेटा। अगर क्लियर नहीं है तो मुझसे दोबारा पूछ लीजिएगा, आई विल सेंड द इमेज। अगर ये आपको फॉर्मूलेज क्लियर नहीं आ रहे बेटा तो आप मुझे व्हाट्सएप करिए, मैं आपको फॉर्मूलेज फिर से लिख के दूंगा कॉपी पेन से, ठीक है। तो 1000 एक्स बी ओवर एक्स ए एम ए, यहाँ एक्स बी मोल फ्रैक्शन सोल्यूट का है, एक्स ए मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का है, और एम ए मोलर मास सॉल्वेंट का है, एम ए मोलर मास किसका है, सॉल्वेंट का, ठीक है। तो अब देखिए कैसे करना है, एक्स बी बराबर क्या हो गया आपका, एक्स बी बराबर हो गया आपका 0.4, तो एक्स ए क्या हो जाएगा बेटा, एक्स ए हो जाएगा 1 - 0.4। क्यों होगा 1 माइनस, क्योंकि एक्स ए प्लस एक्स बी इजिकल्स टू 1 होता है, एक्स ए प्लस एक्स बी इजिकल्स टू 1 होता है, ठीक है। तो आपका एक्स बी 0.4 है तो x से कितना हो जाएगा 1 - 0.4, इसका कितना हो जाएगा 0.6, ठीक है। और सॉल्वेंट जहां स्पेसिफाइड नहीं है वहां सॉल्वेंट आपने क्या मानना है, वाटर। जहां भी सॉल्वेंट स्पेसिफाइड नहीं है तो आपको कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्या है, वाटर है। तो आपको यहां सॉल्वेंट क्या लेके चलना है, वाटर। तो वाटर का मोलर मास कितना होगा, एम ए इजिकल्स टू 18, ठीक है। पुट द वैल्यूज एंड कैलकुलेट,
पुट द वैल्यूज, देखिए मोलैलिटी m इज इक्वल टू हो जाएगा 1000 इनटू 0.4 ओवर 0.6 इनटू 18, यू विल गेट द आंसर. ठीक है, गेट द आंसर एंड आंसर विल बी इन मोल पर केजी, मोल केजी इनवर्स, दिस विल बी यूनिट. प्रैक्टिस बना लीजिए बेटा, आंसर लिख, क्वेश्चन लिख रहे हैं उसका आंसर निकाला है वहाँ पे, यूनिट हमेशा लिखिए इवन रफ कॉपी में भी. आप छोड़ देते हैं इसकी वजह से एग्जाम में भी कई बार ये चीज़ें मिस हो जाती हैं. तो ये पहला तरीका समझ में आया. पहला तरीका आपका क्या है कि आपको मोल फ्रैक्शन दिया होगा, मोलैलिटी पूछी होगी, मोलैलिटी दी होगी, मोल फ्रैक्शन पूछा दिया मोलैलिटी पूछी होगी, मोल फ्रैक्शन दिया होगा, ये दोनों में भी कुछ भी हो सकता है. आपको मोलैलिटी दी हो, मोल फ्रैक्शन पूछ सकते हैं. तो आप इस फॉर्मूले की हेल्प से इस फॉर्मूले को बेटा बहुत अच्छे से कहीं नोट कर लीजिए, और जहां आप सोते हैं उसके आसपास कहीं ये सारे फॉर्मूले लगा लेना, बहुत ज़रूरी हैं ये याद होने. ठीक है, अभी और बताने जा रहा हूँ. अभी एक और होता है, आपको मोलैलिटी दी हो और मोलैलिटी पूछी हो. क्या दिया हो? मोलैलिटी गिवन हो और पूछी हो मोलैलिटी. एक एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं. इसमें देखिए मोलैलिटी और मोलैरिटी अगर हमें दिया हो कि मोलैलिटी ऑफ मोलैलिटी, या ये ऐसे कह देते हैं 0.1 m, m स्मॉल है, इसका मतलब ये क्या है? मोलैलिटी. ठीक है, m सॉल्यूशन of HNO3 have density 1.32 gram per liter. Calculate its molarity. आप इसकी मोलैरिटी कैलकुलेट करिए. आपको क्या दिया है? मोलैरिटी दी है, डेंसिटी दी है, और आपसे पूछा क्या जा रहा है मोलैरिटी. इसके लिए बहुत आसान तरीका है. इसके लिए मैं आपको शॉर्टकट सॉल्यूशन बताता हूँ. ठीक है, शॉर्टकट एकदम, तो जल्दी से आप आंसर पा सकते हैं. 1/m इजिकल्स टू डी बाई एम, 1/m इजिकल्स टू डी बाई एम, mb over 1000. ये देखिए, ये शॉर्टकट फॉर्मूला है, ये डेंसिटी है, ये मोलैलिटी है, ये मोलैरिटी है, और ये मोलर मास है सोल्यूट का. सोल्यूट का क्या है? मोलर मास है. अब हमने क्या करना है? d इजिकल्स टू कितना है? 1.32 ग्राम पर लीटर. ठीक है, मोलैलिटी m कितनी है? 0.1 मोल पर केजी. ठीक है, मोलैलिटी ये है. और mb का मतलब मोलर मास ऑफ सोल्यूट. सोल्यूट इज व्हाट? HNO3. तो इसका मोलर मास कितना होता है? 63 ग्राम पर मोल. मोलर मास की यूनिट ग्राम पर मोल होती है. ठीक है, तो आपको सारी चीजें पता है. क्या रह गया? ये रह गया. तो यू कैन कैलकुलेट इजीली. यू विल पुट द वैल्यूज. 1/0.1 इजिकल्स टू डी कितना है? 1.32 ओवर एम, माइनस एम बी कितना है बेटा? 63 ओवर 1000. यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एम. तो एम इजिकल्स टू, यहां से आप कैलकुलेट करके निकालेंगे, मोल पर लीटर. ये आंसर आपका आ जाएगा बहुत आसान. ठीक है, तो बेटा क्या करना है आपने? बस ये फॉर्मूला याद करना है. इसको करने का तरीका वैसे बहुत लंबा है बेटा, इतना आसान क्वेश्चन नहीं है. छोटा सा लग रहा है लेकिन इतना आसान नहीं है. इसको करना बहुत लंबा है. आप कई बुक्स में देखेंगे, कई देखेंगे वो तरीका अलग मिलेगा. बट आई एम टेलिंग यू वेरी शॉर्टकट मेथड फॉर कॉम्पिटिशन, बिकॉज इन कॉम्पिटिशन यू हैव नॉट मच टाइम. कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट करने हैं, तो टाइम सेविंग के लिए आपको ये करना होगा. अब अगला हम बात करते हैं, अगर हमें मोल फ्रैक्शन दिया है और मोलैरिटी पूछी है. अभी मोल फ्रैक्शन और मोलैरिटी की बात थी, हमें दिया है मोल फ्रैक्शन और मोलैरिटी. तो मैं बात करूं मोल फ्रैक्शन और मोलैरिटी के रिलेशन की.
क्वेश्चन हम ले लेते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं कि मोल फ्रैक्शन और मोलैरिटी। अगर हमारा वही क्वेश्चन होता कि मोल फ्रैक्शन ऑफ 0.4 मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया इज 0.4 एंड इट्स डेंसिटी इज 1.26 ग्राम पर लीटर, कैलकुलेट इट्स मोलैरिटी, कैलकुलेट इट्स मोलैरिटी। अब हमें रिलेशन देखना है मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन। यहां डेंसिटी की जरूरत पड़ी क्योंकि मैंने पहले ही बताया मोल फ्रैक्शन आपका वॉल्यूम डिपेंडेंट है और मोलैरिटी ना मास डिपेंडेंट है और ये वॉल्यूम डिपेंडेंट है, तो यहाँ डेंसिटी की जरूरत पड़ेगी। अब यहाँ देखिए इसके लिए फॉर्मूला क्या है, इसके लिए आपका फॉर्मूला है m इजिकल्स टू 1000 एक्स बी ओवर एक्स ए एम ए प्लस एक्स बी एम बी एक्स बी एम बी इंटू डी सॉरी इंटू डी ये आपको ध्यान रखना है। मोलैरिटी इजिकल्स टू 1000 एक्स बी डी एक्स ए एम ए एक्स बी एम बी, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। क्या करना है इसमें, एक्स बी क्या है सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन, एक्स ए क्या है सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन। ये सॉल्वेंट का मोलर मास, ये सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन, सॉल्यूट का मोलर मास। यहाँ पे हम सारी वैल्यू देख लेते हैं, आपका एक्स बी इक्वल टू कितना है 0.4, ठीक है, तो एक्स ए कितना हो जाएगा 0.6 सिंपली हो जाएगा, ठीक है। एम ए कितना होगा, एम ए आपका सॉरी एक्स एम बी देख लेते हैं पहले, एम बी यूरिया है तो यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है NH2CO NH2, आप इसका मोलर मास निकाल सकते हैं, ठीक है 60 होता है। अब इसके बाद एक्स एम ए, एम ए कितना होगा 18, एम ए कितना होगा 18 होगा, ठीक है। और आपको डी दिया हुआ है, डी कितना है आपका 1.26 ग्राम पर लीटर। एम ए 18 क्यों होगा, क्योंकि सॉल्वेंट वाटर है, सॉल्वेंट स्पेसिफाइड नहीं हो तो वाटर आपको सॉल्वेंट के फॉर्म में लेना होगा। पुट द ऑल वैल्यूज एंड गेट द वैल्यू ऑफ मोलैरिटी, यानी कि m इज इक्वल्स टू 1000 इंटू 1.26 इंटू एक्स बी 0.4 ओवर, मैंने डेंसिटी पहले लिख दी है कोई नहीं, ओवर 0.6 इंटू 18 प्लस 0.4 इंटू ये 60 आया होगा बेटा, निकाल लिया 60 है, यूरिया का मोलर मास कितना होता है 60 होता है, तो आप इसको कैलकुलेट करें, इसका आंसर आपको मिल जाएगा, क्या मिलेगा मोल पर लीटर मोलैरिटी, ठीक है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशंस मैं और बताने जा रहा हूं, वो क्या है इनको देख लेते हैं, ये हटा दे, समझ आया बेटा, काफी लंबा हो गया वीडियो, चलो बाकी कल करेंगे भाई, फिर लंबा अपलोड नहीं होता है, ठीक है, ओके सी यू, प्रैक्टिस करिए, इससे रिलेटेड फॉर्मूले याद रखिए, कल मिलते हैं।